हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी दिन की हसीन शुरुआत हो चुकी है। बेबी नहा चुकी है, इसका डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है। कैसे बेटा? बम बम। ये बम बम कौन सी गाया रे? बम बम। बम बम। तुम भी नहा लो, चलो रेडी हो जाओ। गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है एकदम से खूबसूरत से सुबह के। मैं अब अभी खूबसूरत सा सुबह इसलिए बोल क्योंकि आज का मौसम बहुत ही बेहतरीन है। लाइक बादल छाए हुए हैं, हवा एकदम से तेज तेज बहन डिस्टर्बन आ रहा हो, तो चलते हैं अंदर की तरफ। और बेटा मेरा रेडी हो रहा है, देखो इसको चार और ऊपर वाले दो दांत भी आ रहे हैं, मतलब कि कंप्लीट हो जाएंगे छः नेक्स्ट वीक तक। अभी चलना भी शुरू कर चुकी है, तो शी इज गेटिंग अ हेल्दी ग्रोथ। लेकिन मेरे को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। इसको बड़े होते हमको पसंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। अरे पहले कितना अच्छा छोटा सा गोदी में रहती थी, अभी उतर के भागती है छोड़ के। इंस्टाग्राम रील्स फेवरेट था काम ना रे मिट्टू। हाँ सो के देखो, सो के देखो। सो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ पालक और केले की सब्जी, और आप कोफ्ता भी कह सकते हो। तो एक्चुअली मैं पनीर डालने वाली थी तो मैंने केले के शिफ्ट कर दिया। तो मैं अभी मैरिनेट करने के लिए डालूंगी केले के अंदर बेसन, चिली फ्लेक्स वगैरह मैंने डाला है, और नमक हल्दी जो भी होता है। और मैं इसे अभी जैसे फ़िश फ्राई करते हैं वैसे फ्राई करके निकाल दूँगी। मैंने ये क्या किया ना, एक प्याज लेके उसको पूरा अच्छे से पूर मतलब खोल दिया प्याज का, और ये मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ, और ये मैं कर रही हूँ पालक, मेरा रेडी है। इसमें मैं ये जो फ्राई की हूँ ये मैं डालूंगी, और ये पालक मसाला, पालक ग्रेवी, करी, कुछ भी बोल सकते हो आप, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये केला। सो ये हो जाएगा केला का कोफ्ता, पालक पालक केला कोफ्ता। सो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा क्रीमी फ्लेवर आने के लिए, इसमें मैं अभी डालूंगी मिल्क। तो अच्छे से आप मिल्क डाल दो, इससे क्या ना थोड़ा क्रीमी क्रीमी फ्लेवर आएगा आपको। अच्छे से मिला लेना है। पालक को क्या किया ना मैंने, सिर्फ नॉर्मल ग्राइंडर करके और बेसिक सा मसाला वगैरह डाल के तो अच्छे से पका लिया था, हल्दी वगैरह डाल के, गरम मसाला, धनिया पाउडर वगैरह मसाले, जो बेसिक मसाले यूज़ होते हैं। और फिर पक जाने के बाद अब मैं इसे मिल्क डाल के और थोड़ा पकाऊंगी, उसके बाद बनाना को ऐड कर दूंगी। खाना है कैसा होना खाना? मैं खाती हूँ ना, क्या नमक दें? नमक दो ना पापा को। और इवनिंग स्नैक्स हमारा रेडी है, चाय चाय गरम चाय। जल्दी नाश्ता करने के कारण सबको भूख लगी, तो मैंने बेसन का चीला फिर से बनाया, और अपने लिए मैंने ये कप नूडल्स बनाया। बहुत ही इजी है, जो कि मैं हमेशा घर पे रखती हूँ, जल्दी से भूख लगे उसको ख़त्म करने के लिए हल्की हल्की गर्म पानी डालते रहो, और बस इसे ऊपर से हल्की से लॉक कर दो, और ये आपका 5 मिनट के अंदर आपका स्नैक्स रेडी है। आफ्टर स्नैक्स हम सभी लोग निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज पापा को कुछ शॉपिंग करना था जो गांव लेकर जाएंगे वो वापस, क्योंकि एक इवेंट था। तो लेट्स गो, चलते हैं शॉपिंग पे।
ये भुवनेश्वर में काफ़ी अच्छी लगती है हमें शॉप, और हम हमेशा यहीं से साड़ीज़ वगैरह जो भी सूट पीसेस इंडियन वेयर बेसिकली हम यहीं से लिया करते हैं। तो मस्ट विज़िट, आप लोग भी ज़रूर आएँ। जनपथ रोड पे है, पनगढ़ फैशन नाम है। तो श्री रेडी हो चुकी है, उसकी शूज़ अच्छे से सेट हो गई है, तो अब हम चलेंगे यहाँ का एक फेमस पार्क है एजी पार्क, तो फॉरेस्ट पार्क, ये बहुत सारे पार्क है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन है, तो चलिए चलते हैं और श्री वहाँ पे इंजॉय करेगी और हम लोग भी साथ में मज़े करेंगे। मेन ये रहता है ना प्रॉब्लम यहाँ पे पार्किंग, तो हमें पार्किंग देखना होगा कार पार्किंग किधर है। श्री बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, तो श्री के दादाजी और श्री के पापा वहाँ तो दिख रहा है पार्किंग, बट वो फोर व्हीलर आई डोंट थिंक सो। चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं वहाँ पे पार्किंग मिलेगी या नहीं। सो मैं पहुंच गई हूँ और ये आपके सामने एजी पार्क है जिसका ये मेन एंट्रेंस है। एंड ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा वेदर था एंड आई थिंक सभी लोगों को पार्क विज़िट करना चाहिए, अपने आसपास के जितने भी पार्क्स हैं ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, हवा इतनी अच्छी रहती है ऑलमोस्ट सभी पार्कों में, तो आपको ज़रूर एक पीस फील होगा। आप वॉकिंग करें, आप जॉगिंग करें और अच्छे से योगा करें, इंजॉय करिए। उसका फेवरेट डॉग, काट लेगा ना, ना आपको छोड़ दो ना, मिलेगी नहीं। उसका वो बांध दो ना श्री, और ये नई चलना शुरू किए तो बहुत ही मज़ा करती है और बहुत मज़ा आता है आई थिंक इसे चलने में, और ट्रस्ट में बहुत गिरती है, 10 कदम चलेगी 5 कदम गिर जाएगी। वो भाग रहा है, वो डर गया। वो भाग गया। सो गाइज़, आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर